आज हमने जिला ऊना के सभी जो डिविजन्स इस हमारे पीडब्ल्यूडी के इस सर्कल के अंदर आते हैं उन सब के विकासात्मक कार्यों की योजनाओं की निरीक्षण किया पिछले कल और आज भी करेंगे और उनका एक रिव्यू मीटिंग भी सभी डिपार्टमेंट के जो ऑनगोइंग वर्क्स है उसका किया है। और मुझे खुशी है कि अभी हमारे जो टोटल इस जिला के अंदर करीबन 2300 किलोमीटर सड़कें इस इलाके के अंदर बनकर तैयार हुई हैं जिसमें से हमारी 2135 किलोमीटर सड़कें जो है वो पूरी मेटल हो चुकी हैं और टोटल बजट इस साल का हमारा 83.94 करोड़ जो है वो जिला ऊना के लिए एलोकेट किया गया है जिसमें से करीबन 25 से 26 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। और आज मैंने विशेष रूप से सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि जो हमारा बकाया खर्चा है चाहे वो सड़कों का है चाहे बिल्डिंग्स का है चाहे और किसी चीज़ का है उसको समय के ऊपर पूरा होना चाहिए ताकि उसका भरपूर फायदा क्षेत्र के लोगों को मिले प्रदेश के लोगों को मिले ये हमारी वचनबद्धता है उसके लिए हम कार्यरत हैं। और जो हमारा अभी एक बहुत बड़ा स्कीम पूरे प्रदेश में PMJSY 3 जो चली हुई है कार्यरत है इसमें भी हमारे ऊना जिला के अंदर 19 सड़कों पे अभी काम इसके ऊपर चला हुआ है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो CTB टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस पे ये काम चला हुआ है जिसमें इसका गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जा रहा है और उसमें पानी की निकासी के लिए नालियों का उसके लिए ड्रेनेज का क्रॉस ड्रेनेज का ख्याल रखने के लिए मैंने इसके लिए भी सख्त हिदायत जो है वो डिपार्टमेंट को दी है। और इसके लिए हमारा करीबन 73 करोड़ जो है वो इसके लिए इसकी एलोकेशन जो है वो हुई है। वैसे ही हमारे जो नबार्ड है जो विधायक प्राथमिकता के कार्य यहाँ पे चले हुए हैं करीबन 15 कार्य यहाँ पे चले हुए हैं और इसका टोटल बजट करीबन 115 करोड़ रुपए का है जिसमें अभी तक हमारा 86 करोड़ अभी तक जो है इसका खर्चा हो चुका है। और हमारे CRF जो केंद्र सरकार से जो सहयोग हिमाचल को मिलता है उसमें भी हमारे दो बड़े ब्रिजेस एक आपका हरोली के अंदर उसकी सैंक्शन पिछले साल ही हमको प्राप्त हुई है आज हम जाके उसका निरीक्षण भी करेंगे कि कितना उसमें फिजिकल प्रोग्रेस हुआ है। और हिमाचल का एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिजेस ये आने वाले समय में बनने जा रहा है जो हमारे स्वां नदी के ऊपर बनेगा। और दूसरा हमारा जो जिसका हमने कल निरीक्षण किया आपके चुड़दू डुहाली ये भी नबार्ड के अंदर सॉरी CRF के अंदर बन रहा है। तो दो ये बड़े प्रोजेक्ट हमारे केंद्र सरकार के सहयोग से जिला ऊना के अंदर कार्यरत है। और आने वाले समय में मैंने अभी यहाँ पे विभाग को भी ये कहा है कि हम चाहते हैं कि और यहाँ की जो हमारी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है ऊना जिला की उनको भी हम CRF के अधीन करने के प्रयास करेंगे। उसके लिए जो भी प्रपोजल्स यहाँ से बनाए जाएंगे DPRs बनाई जाएगी इन द टाइम्स टू कम उसको मैं दिल्ली जाकर जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री है सड़क परिवहन के आदरणीय नितिन गडकरी जी उनके समक्ष हम उनको रखेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश के लिए सड़कों का निर्माण जो बहुत अनिवार्य है उसको पूरा करने के लिए केंद्र से भी हमें पूरा सहयोग मिले। और मैंने पिछले कल भी कहा था आज फिर से मैं उस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय गडकरी साहब का कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को अभी इस वित्तीय वर्ष में करीबन 295 करोड़ से लेकर 300 करोड़ रुपये का सहयोग हिमाचल को इस साल दिया है। और पिछले साल जैसा मैंने कहा कि हमको उसी तर्ज पर सहयोग पिछले साल भी मिला था और अभी एक एडिशनल अमाउंट हमें जिला मंडी की दो महत्वपूर्ण सड़कों के लिए जो है करीबन 25 करोड़ रुपए जो कमान कटौला सड़क है एक हमारी और एक हमारी जो है पंडोर से लेकर आपके चैल चौक सड़क है क्योंकि कुल्लू में जब पीछे त्रासदी हुई थी बहुत बड़े स्तर पर तो ये सड़क हमारे जो 4 लेन की है वो टूट गई थी और इसी सड़कों से जो है वो पूरा जिला कुल्लू का और आगे
जनजातीय क्षेत्र का जो है वो रखरखाव किया जाता था, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ हमने अभी 5 नए नेशनल हाईवेज घोषित करने के लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, जिसमें हमारी 5, पहले तो वैसे भाजपा के सरकार के समय में 69 नेशनल हाईवे घोषित किए गए थे, मगर वो तो हमको अभी तक नहीं मिले, वो दुखद बात है। अब वो 5 की वो 69 को कम कर कर जो है वो 25 हुए, 25 से कम कर कर 9 हुए, अब 9 से कम करके वो जो है 5 सड़कों का प्रस्ताव हमने केंद्र सरकार को भेजा है, तो मुझे विश्वास है कि जल्द उसकी स्वीकृति हमें 5 नेशनल हाईवेज की अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश को मिलेगी, उससे भी प्रदेश का विकास आने वाले समय में होगा। इस दृष्टि से भी हम आगे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कलेक्टिव तरीके से जब हम सड़कों की बात करते हैं तो इट इज़ अ कोलैबोरेटेड एफर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो सबका उसमें सहयोग रहता है, चाहे उसमें NHAI है, चाहे उसमें MoRTH है, चाहे उसमें PWD है, चाहे CRF है, चाहे PMJSY है, सब तरीके से प्रदेश का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो, ये हमारी प्राथमिकता है। उस दृष्टि से हम पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं, तो मैं आज यही विश्वास आपके माध्यम से ऊना जिला की सभी प्रबुद्ध जनता को दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की वचनबद्धता है कि हम यहाँ के जितने भी ऑनगोइंग वर्क्स है उनको समय के ऊपर पूरा करें। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज की रिव्यू मीटिंग में कुछ ऐसे भवनों का भी हमने निरीक्षण किया या उनका हमने हमारे जहन में लाए गए, जो हालांकि पूर्व सरकार द्वारा बनाए गए थे, उनका उस समय उनकी घोषणाएं हुई, मगर मात्र कईयों में 1 करोड़, कईयों में 50 लाख, कईयों में 2 करोड़, और जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर सैंक्शन 10 से 15 से 20 करोड़ का है, आज हमारी सरकार उन कार्यों को पूरा कर रही है। हम जानते हैं कि सरकार कंटिन्यूटी में चलती है, पूर्व सरकार के कार्य जो है वो वर्तमान सरकार करती है, मगर फिर भी जब घोषणाएं हुई, जब राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपने इन इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जो है यहाँ पे शिलान्यास रखे, उस समय जो उसमें रिक्विजिट बजट का प्रावधान होना चाहिए था वो उस समय की सरकार ने नहीं किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस चीज को हमें देखना चाहिए कि जब भी कोई शिलान्यास रखा जाता है, जब भी कोई फाउंडेशन रखा जाता है, तो कम से कम जो आपका पूरा एक्सपेंडिचर है, कम से कम उसका 25-30% मिनिमम जो है वो बजटरी एलोकेशन होना चाहिए, अदरवाइज प्रोजेक्ट जो है वो पूरे तरीके से अनवायबल बन जाता है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, बाकी यहाँ के जितने भी विकासात्मक कार्य है उनको हम आगे लेकर जाएंगे, चाहे हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी है उनका विधानसभा क्षेत्र है, हमारे माननीय विधायक श्री बबलू जी का इलाका है, हमारे पूर्व विधायक श्री रायजादा जी का क्षेत्र है, या पुटलहर जो हमारे वहां से माननीय विधायक है, गगरेट से हमारे माननीय विधायक है, हर इलाके के विकास कार्यों को हम पूरी मजबूती से आगे लेकर जाएंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा शहरी विकास मंत्रालय है, इससे भी हमारे टोटल यहाँ पे जो है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो हमारे लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2070 मकान जो है यहाँ पे करीबन 35 करोड़ रुपए की लागत से उनकी स्वीकृति वो हुई है, और उसमें से हमारे 1896 यानी 91.4% उसमें जो है वो उसका सक्सेस रेट है, और 33 करोड़ रुपए उसके लिए जो है वो रिलीज हो चुका है, जो हमारा 94% एक्सपेंडिचर इसमें हुआ है। तो इसकी भी हम एक अलग से रिव्यू बैठक जो है वो शहरी विकास मंत्रालय की करेंगे, और मैंने जल्द में आने वाले समय में जो हमारे शहरी विकास के केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा, और खास करके जो हमारे बड़े शहर हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, अब यहाँ पे भी मांग आ रही है कि हमारे जो ऊना का जो हमारा म्यूनिसिपल काउंसिल है इसको आने वाले समय में नगर निगम में तब्दील किया जाए, तो इसके बारे में भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम इस विषय में चर्चा करेंगे, सकारात्मक चर्चा करेंगे, और लगेगा तो निश्चित तौर से इस प्रस्ताव को आगे लेकर जाया जाएगा।
उसमें जो जो भी फंड हम केंद्र से उसमें ला सकते हैं, चाहे वो सैनिटेशन के लिए है, चाहे सिवरेज के लिए है, चाहे आपके जो है गार्बेज की उसके गार्बेज के डिस्पोजल के लिए है, अमृत स्कीम्स में है, उसको मैक्सिमम हम ऊना क्षेत्र के लिए, ऊना जिला के लिए लाने का प्रयास करेंगे। इस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये भी आज एक बड़ा अच्छा सकारात्मक सुझाव आदरणीय राजदादा जी ने भी यहाँ पे दिया है कि हमको एक रिंग रोड जो है वो ऊना शहर के से होना चाहिए, उसकी हम एक डीपीआर बनवाएंगे, क्योंकि इसमें एनएच के माध्यम से इसके कुछ पोर्शन का जो है वो डीपीआर बनाई गई है, मगर मैंने उनको कहा है कि इसका एक पूरा डीपीआर पूरे शहर की बनाई जाए, ताकि हमारा ईज ऑफ जो कंजेशन है ट्रैफिक का है, या जहाँ से जो गाड़ियां आपके ऊपर अम्ब के लिए जा रही है या आपके दौलतपुर के लिए जा रही है, उनको ईज हो, इसलिए इसको बनाया जाएगा। बेशक इसको हम फेज मैनर में करेंगे, मगर उसकी एक प्रॉपर डीपीआर पूरे रिंग रोड की बनवाई जाएगी, इसके लिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा है, ताकि चाहे हमारा आने वाले समय में पीजीआई का जो सैटेलाइट यहाँ पे जो अस्पताल बन रहा है उसके लिए भी आसान हो, या और भी जो ट्रैफिक के मूवमेंट्स है उसकी आसानी इस क्षेत्र के लोगों को मिले, ये हमारी प्राथमिकता रही। जितने भी बिल्डिंग्स है, चाहे वो स्कूल्स है, चाहे अस्पताल है, चाहे आईटीआई है, हर विषय पे हमने बड़े सकारात्मक चर्चा करी है, और जहां पर भी 80-85% काम पूरा हो चुका है जिन बिल्डिंग्स का, जिनको हैंडओवर होना है डिपार्टमेंट को, उसके लिए हम एक अलग से रिपोर्ट बनाकर मैं मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा, और जो कंसर्न मंत्री है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के उनको भी देंगे कि इसके लिए इमिडिएटली डायरेक्टर के माध्यम से पैसा रिलीज करवाया जाए और उनको कंप्लीट करके हैंडओवर किया जाए, उनका उनका इनॉग्रेशन करवाया जाए, ताकि जिस पर्पस के लिए वो बनाई गई है उसका यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन समय के ऊपर हो। सर, मलाहक के वार्ड नंबर 1 में जियो पाइप डलने के मामले में सर गली के खुदाई तो मिनटों में कर दी, लेकिन सर उसका जो पैसा है वो एडवांस में आ चुका है और अभी तक 8 महीने हो गए सर उस गली को द्वारा नहीं बनाया गया, तो सर कितना वक्त और लगेगा इसको बनाने में? क्योंकि अगर एक्सचेंज साहब से बात करें वो कह रहे टेंडर हो चुका है, ठेकेदार से बात करें वो कह रहे काम हो जाएगा, मैं उसके 8 महीने के अलावा मैं निर्देश दूंगा उसमें, क्योंकि इसमें डिपॉजिट का पैसा आता है, आपके टेलीकॉम की जहां पर भी लाइनें बिछती है तो उसका पैसा डिपॉजिट में आता है ORM का, तो उसमें समय पर कार्य पूरा करवाएंगे।